हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तरोई की सब्जी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। इसके लिए हमने 1 किलो तरोई ली है, इसको वॉश करके कट कर लिया है। कुछ मसाले लिए हैं जैसे लहसुन, अदरक, जीरा, हरा मिर्चा और काली मिर्च, और एक बड़ी प्याज को फाइन चॉप कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 250 ग्राम अरवी लेंगे, उसको अच्छे से छील कर वॉश कर लेंगे और इसको पानी में डिप करके ही रखना है फ्रेंड्स। एक बड़ा टमाटर लेंगे, उसको रफली चॉप कर लेंगे और फ्रेश हरा धनिया फाइन चॉप कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमको अरवी को पानी में डिप करके ही रखना है, अदरवाइज़ इसका कलर चेंज होने लगेगा। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों के तेल में ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर हम कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे जब तेल गर्म हो जाए, और इसको चलाते रहना है प्याज को, बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है। अब जो हमने मसाले लिए थे, इसका पेस्ट बना लेना है। अब प्याज हो गए हैं फ्रेंड्स, अब हम इसमें मसाला पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से चला लेंगे और मिक्सअप कर लेंगे और मसाले को प्रॉपरली भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और आप नमक और मिर्ची की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने फ्रेंड सारे मसाले डाल दिए हैं, इस मोमेंट पर हम मसाले को मिक्सअप कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे मसाला प्रॉपरली भून जाए। इसको हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएगा, और देखिए मीडियम फ्लेम पर हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए मसाले को भून लेना है। और जब मसाला भून जाए फिर हम इसमें तरोई ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, जब भी आप तरोई को ऐड करिए तो गैस की फ्लेम स्लो कर लीजिए, अदरवाइज़ मसाला नीचे जलने लगेगा। ये सारा प्रोसेस हमको स्लो फ्लेम पर ही करना है। अब यहाँ पर हमने सारी तरोई डाल दी है, अब हम तरोई को मिक्सअप कर लेंगे, जिससे मसाला और तरोई सब प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए। इसके बाद हमें इसमें अरवी को ऐड कर देना है, और ये सारा प्रोसेस हमें गैस की फ्लेम स्लो करके करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। और आपको पता ही है फ्रेंड्स कि तरोई में वाटर रिलीज होता है, तो आप स्लो फ्लेम पर करेंगे तो धीरे धीरे इसका वाटर रिलीज होने लगेगा। और थोड़ा सा चला लेने के बाद हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद हम इस पर लिड बंद कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा वाटर रिलीज हो गया है, और अब हम इसको थोड़ा सा और चला लेंगे। और अब इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी वाटर में हम 4 विसल हाई फ्लेम पर लगा लेनी है। 4 सीटी लगा लेने के बाद फ्रेंड्स, देखिए हमारी सब्जी तैयार है। अगर इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वाटर हो तो हम इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे और इसका एक्स्ट्रा वाटर ड्राई कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेंगे, जिससे हमारी सब्जी प्रॉपरली मिक्स हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है, अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर देंगे। और आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।